हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डांसिंग रेजोनेंस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जब हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं, रिंग एक्सपेंशन आपने सीख ली होगी, मैंने वीडियो डाल दिया, आप चैनल पर जाकर देख लेना। तो रिंग एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, रिंग को एक्सपेंड करना। किसी की चार की रिंग है तो उसको पांच में कन्वर्ट कर देना, पांच की है तो छह में कन्वर्ट कर देना। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है कि हम तीन को चार में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हम सिक्स वाली को सेवन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। इनके स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। अब हम सिक्स वाली को सेवन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, ड्यू टू स्टेबल रिंग। क्योंकि मैक्सिमम स्टेबल रिंग हमारी, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट हमारे एग्जाम में कि मैक्सिमम स्टेबल रिंग कौन सी होती है, हमारी सिक्स मेंबर की रिंग। ये हमारे को हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, सिक्स वाली सबसे ज्यादा, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री। अब हमारी थ्री वाली सबसे कम है, तो क्या हम इसको फोर में कन्वर्ट करें तो हमारी स्टेबल हो जाएगी, करनी चाहिए हमें। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, या कह सकते हैं बेंट पी ओवरलैपिंग। क्यों आता है इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारी थ्री की रिंग है, उसके बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज है, केटायन लगा हुआ है। अब ये क्या है, ये इसको हम चार में नहीं कर सकते एक्सपेंशन। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर डांसिंग रेजोनेंस लगा हुआ है। अगर हमारी तीन के रिंग के बाद हमारा तीन की रिंग हो और उसके बाहर हमारा केटायन पॉजिटिव चार्ज कार्बो केटायन हो, तो उसमें डांसिंग रेजोनेंस लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो रिंग एक्सपेंड नहीं होगी, वो अपने आप में ही बहुत स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट था, जो तीन की रिंग के बाहर अगर हमारा कार्बो केटायन आ जाता है तो उसको हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।